कल रात फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को देखा गया। दीपिका पादुकोण से लेकर सोनम कपूर तक इस रेड कार्पेट पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का लुक एक से बढ़कर एक था, लेकिन कुछ लोग हमें डिसअपॉइंट भी करते नजर आए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं किसका लुक है झक्कास और किसका लुक है बकवास। इस रेड कार्पेट पर दीपिका पादुकोण का लुक देखने ही लायक था। नई नई दुल्हन बनी दीपिका पादुकोण ने म्यूटेड पीच ऑरेंज स्ट्रैपलेस गाउन पहनी थी। इस एसिमेट्रिकल आउटफिट में वेस्ट के पास ब्लैक बैंड बनी हुई थी, जो उनकी बॉडी को और भी डेफिनेशन दे रही थी। अपने सिग्नेचर स्लीक हेयर के साथ लार्ज हूप्स और एक न्यूड लिप के साथ दीपिका ने अपना लुक कम्प्लीट किया था। सोनम कपूर भी इस अवार्ड फंक्शन में मौजूद थी। उन्होंने एक ब्लैक शैटली लेस शहला साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें रफल्स ऑफ शोल्डर स्लीव्स बने हुए थे। उन्होंने अपने बालों का स्लीक बन बनाए हुए था। उन्होंने अपने बालों में छोटा सा हैट पहने हुए था और उसका नेट उनके फेस को कवर कर रहा था। डायमंड इयररिंग्स, डीप रेड लिप और डार्क आईलाइनर ने उनका लुक कंप्लीट किया है। सोनम कपूर के इस आउटफिट की बात करें तो एक रेड कार्पेट इवेंट के लिए ये थोड़ा और गॉथिक और बहुत ज्यादा बोल्ड लग रहा था। मुझे लगता है कि इस बात पर हम सभी अग्री करेंगे कि इस रेड कार्पेट पर करिश्मा कपूर का लुक बेस्ट था। स्टनिंग करिश्मा ने पेस्टल इलेक ह्यूड हॉल्टर नेक ड्रेस पहनी थी। उनके थाई हाई स्लिट आउटफिट में कई फ्लोरल एप्लीक्यू बने हुए थे। उन्होंने इस ड्रेस को स्लीक टॉप नॉट, सिल्वर स्ट्रैपी हील्स और न्यूड मेकअप के साथ स्टाइल किया था। करिश्मा का ये लुक हमें सर से लेकर पांव तक पसंद आया। और आपको? धड़क स्टार जानवी कपूर ने भी इस रेड कार्पेट पर अपने फैशन का जलवा दिखाया। उन्होंने एक हाई नेक शी ड्रेस पहनी थी, जिस पर क्रिस्टल एम्बेलिशमेंट्स बने हुए थे। इस बॉडीकॉन फिशटेल ड्रेस पर जानवी ने ब्लू ड्राइड खुले बाल किए हुए थे। फिल्ड इन आईब्रोज और सॉफ्ट लिप के साथ उन्होंने अपना लुक कम्प्लीट किया था। We really wish कि जानवी अपना लुक थोड़ा और शार्प स्टाइल करती और अपने बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करती। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों फैशन के गेम में अव्वल आ रही हैं। उन्होंने इस रेड कार्पेट पर ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप पैंट सूट पहनी थी। हमारे हिसाब से कल रात की बेस्ट ड्रेस में से ये ड्रेस बेस्ट थी। उन्होंने अपने बॉस लेडी का ये लुक एक लो पोनीटेल म्यूटेड मेकअप और ब्लू मेटालिक हील्स के साथ पूरा किया था। इसके बाद डायना पेंटी की बात करें तो उन्होंने इस रेड कार्पेट पर एक पाउडर ब्लू और आइवरी शेरिया सोम आउटफिट पहनी थी। यह आउटफिट ऑफ शोल्डर कॉर्सेट था, जिसका टॉप रफल स्कर्ट और एक थाई हाई स्लिप के साथ खुल रहा था। स्ट्रैपी पाउडर ब्लू सिल्क टोज, ड्यूई मेकअप और मेटालिक ब्लू आई शेडो ने उनका लुक कंप्लीट किया था। एक तरफ जहां हमें वो बहुत प्रिटी लग रही थी, वहीं उनका ड्रेस बिट अंडरवेलमिंग लग रहा था। कुल मिलाकर वो अपने लुक को और भी बेटर बना सकती थी। बिपाशा बासु भी इस अवार्ड शो में मौजूद थी। उन्होंने एक खूबसूरत मार्सला ह्यूट आउटफिट पहनी थी। उन्होंने इस ड्रेस पर हैवी गोल्डन फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। उनके इस ड्रेस में फुल स्लीव्स और एक शॉर्ट ट्रेन बनी हुई थी। बालों को लेफ्ट साइड में खुला छोड़कर डायमंड इयररिंग और विंग आईलाइनर के साथ उन्होंने अपना लुक कम्प्लीट किया था। शिल्पा शेट्टी भी उन एक्ट्रेसेस में से एक थी जो इस इवेंट पर मौजूद थी। शिल्पा ने म्यूटेड गोल्डन हाई नेक आउटफिट पहनी थी, जिसके वेस्ट पर कटआउट्स बने हुए थे और ड्रेस पर थाई हाई स्लिट थी। गोल्डन हील्स और साइड पार्टेड स्लीक हेयर और मेकअप ने उनका लुक कंप्लीट किया था। विद्या बालन ने रेड कार्पेट पर अपना लुक सिंपल रखा था। उन्होंने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर ग्रे वर्क किया हुआ था। बालों को खुला छोड़कर न्यूड लिपस्टिक लगाकर उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया था। उनका ये लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था। स्टनिंग काजोल भी इस इवेंट पर नजर आई। उन्होंने एक अकर येलो बुफेंट गाउन पहनी थी, जिस पर बिशप स्लीव्स और एक फैंसी फ्लेयर बना हुआ था। मैसी हैंड नॉट के साथ हुप्स और डीवी मेकअप ने उनका लुक पूरा किया था। शाहरुख खान से लेकर शाहिद कपूर और आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी इस शो में नजर आए और हमेशा की तरह वो सभी के सभी डैपर लुक में नजर आए। वेल, तो ये थे फिल्म फेयर अवार्ड्स के बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और आप ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से किस एक्ट्रेस का लुक था बेस्ट और किस एक्ट्रेस का लुक था वर्स्ट। और देखते रहिए हिंदी रश।